हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चलन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको लाइव GSTR 3B फाइल करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अपना GSTR 3B फाइल करते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती आपको बड़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो GSTR 3B फाइल करते टाइम आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कुछ ITC ऐसे होते हैं जो आपके नहीं होते लेकिन फिर भी आप उसे क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ इतना चलता है कि हम अपने GSTR 2B में जाकर देखेंगे, वहाँ जितना ITC आ रहा होगा वो ITC हम क्लेम कर लेंगे, जबकि एक्चुअल में आपको अपने GSTR 2B को अपने बुक से मैच कर लेना चाहिए। मैच किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको आज लाइव करके दिखाऊंगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही इनवॉइस पे दो बार ITC क्लेम कर ले, क्योंकि 2B में जितना ITC आता है जरूरी नहीं है कि वो सारे ITC आपके ही हो। कुछ ऐसे इनवॉइस होते हैं जो प्रीवियस मंथ के भी होते हैं और कुछ ऐसे इनवॉइस होते हैं जो आपके नहीं होते, गलती से आपके 2B में वो शो कर जाते हैं। तो वो किस तरीके से हम रेक्टिफाई करेंगे, किस तरीके से उसका रिको बनाएंगे, कैसे पता करेंगे अपने GSTR 3B फाइल करते टाइम कि एक्चुअल में मेरी ITC कितनी है, वो सारे के सारे चीज आज सारी टॉपिक में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे कि GSTR 3B फाइल करते टाइम आपको किस बातों का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद पोर्टल बहुत बिजी चल रहा है दोस्तों, आज सुबह से देख रहा हूं मैं कि पोर्टल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। चलिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हम सिलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल सिलेक्ट किया, मंथ सिलेक्ट किया और सर्च में हमने कर दिया क्लिक। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया टैब आएगा जिसमें हमारा GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B ये सारी चीजें ओपन होकर आएंगी। तो ये नया टैब ओपन होगा। नया टैब ओपन होने के बाद सबसे पहले जो हमें देखना होता है, यहाँ पे देखिए क्वार्टरली व्यू आ रही है 2B की, तो इसको आपको एक्सेल में कर लेना है डाउनलोड। जब आप डाउनलोड कर ले इसके बाद आप अपने GSTR 3B ऑनलाइन में जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही इसके अंदर आप जाएंगे यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर डेटा दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पोर्टल बहुत बिजी चल रहा है दोस्तों, सकते हैं कि पोर्टल कितना बिजी चल रहा है। मैं वो रिफ्रेश कर देता हूँ इसे दोबारा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखा देगा कि आपका GSTR 3B और ये जो सोर्स है आपके सारे फिल है, जनरेटेड है, नहीं है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका एलिजिबल ITC आ रहा है, ये इंटीग्रेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ये सब आपका करेक्ट है या नहीं, ये मैंने फिल कर दिया था। लेकिन अगर मैं जनरेटेड में आपको जाकर दिखाऊं कि यहाँ पे पहले क्या डेटा आ रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 लाख, या आप देखेंगे इस वाले कॉलम में कि 3,04,90 रुपये हमारा IGST में आ रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं CGST में जाकर आपको दिखाऊं तो ये आ रहा है 5,93,000। और जब मैंने बुक से मैच किया, जो कि आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आप अपने बुक से मैच करेंगे तो आपके बुक से डेटा मैच होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं इसको भी फिल कर देता हूं, जो पहली वाली वैल्यू थी मैं वही फिल कर देता हूं यहां पे। और इसको हम कर देते हैं कंफर्म करके मैं इसको सेव कर देता हूं। तो देखिए ये डेटा हमारा पहले ऑटो जनरेट हो गया था ये, ठीक है। अब आपको मैंने दो स्टेप बताया। सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि GSTR 2B जो क्वार्टरली व्यू उसको कर लीजिए एक्सेल में डाउनलोड, उसके बाद GSTR 3B में आइए और अब अपने बुक से मैच कीजिए कि क्या आपके बुक से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑल टैब 2 दबाकर GSTR 3B में जाकर जैन से मार्च का मंथ सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप सबसे पहले अपना आउटवर्ड देखेंगे, यहाँ पे देखिए मेरा आउटवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 2,30,118 IGST के अंदर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 2,30,51, यानी GSTR 1 के अंदर कुछ ऐसे इनवॉइस हैं जो या तो गलत फिल हो गया होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और इसी प्रकार से CGST IGST में अगर मैं आपको दिखाऊं 5,30,551 तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 3 पैसे के आसपास डिफरेंस आ रहा है। पर एलिजिबल ITC अगर मैं दिखाऊं तो देखिए एलिजिबल ITC आ रहा है मेरे पास 2,17,897 रुपए IGST में, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 3,05,56 रुपए। और इसी तरीके से अगर मैं CGST IGST देखता हूँ तो 5,76,183 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 5,93,328। तो अब कहीं आप ऐसा मत कीजिएगा कि इसको ही आप क्लेम कर लें,
तो इसको किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे ये सारी चीज मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम अपना GSTR3B फाइल करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2B को आपको कर लेना है डाउनलोड, तो 2B मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, ये देखिए ये मेरा 2B आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको IGST जोड़ के दिखाऊं टोटल, तो आप IGST देखेंगे यहां तक कि यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 3,556.69 और यही यहाँ पे आपको दिखाएगा 3,556.69। ठीक है, तो ये 2B का डेटा उसमें जनरेट हुआ है। अब जब आप 2B डेटा जनरेट कर ले तो उसको सबसे पहले तो आप फिल्टर से डेट वाइज में कर ले और डेट को अलग कर दे। तो देखिए ये कुछ ऐसे इनवॉइस है, जैसे अक्टूबर के इनवॉइस हो रहे हैं, नवंबर के हो रहे हैं, दिसंबर के हो रहे हैं, तो इन इनवॉइस का ऑलरेडी ITC क्लेम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये 2B में आ रहा है। हो सकता है पार्टी ने लेट रिटर्न फाइल करी हो जिस वजह से 2B में अब आया है, तो इसका ITC आप क्लेम ना कर ले। आप भी इस तरीके से अपना रिव्यू कर ले और डेट वाइज देख ले कि कहीं ऐसा नहीं प्रीवियस मंथ का कोई डेट कोई इनवॉइस अपलोड हुआ पड़ा है, तो उस इनवॉइस का अगर आपने ITC क्लेम किया हुआ तो उसको छोड़ दे, जैसे मैंने इसको यहाँ से ब्रेक करके हटा दिया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जो मेरा बचा, ये देखिए मेरा चल रहा है फरवरी जैन, यानी जैन से लेके फरवरी तक, तो जितनी मेरी ITC बनी उस ITC को ही मैं क्लेम करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी टोटल कितनी क्लेम बन रही है 2,01,175, लेकिन मेरे बुक में कितना आ रहा है आप ये देखिए, मेरे बुक में आ रहा है 2,17,897 रुपए, लेकिन पोर्टल में कितना है 2,01,000, यानी 16,722 रुपए के आसपास कोई एक ऐसा इनवॉइस है जो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वो इनवॉइस कौन सा है वो आपको रिको बनाकर पता चलेगा। तो रिको किस तरीके से बनेगा, आप अपने GSTR3B में ये वाला जो इनवॉइस है इस इनवॉइस को आप कर लेंगे एक्सपोर्ट एक्सेल से, मतलब टैली RP9 से एक्सेल के अंदर इस इनवॉइस को आप कर लेंगे एक्सपोर्ट एक्सेल के अंदर। जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे यहां पे क्लिक करके, जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो GSTR2B पोर्टल का और आपके बुक का दोनों का आमने सामने रख दीजिएगा, जैसे कि मैंने रखा हुआ है यहां पे। आप लोग देख सकते होंगे कि टैली RP9 का डेटा है और ये मेरे 2B का डेटा है। इन दोनों का आमने सामने रखेंगे आप और इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरीके से करा जाता है, कैसे रिको करा जाता है, अगर आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि 16,722 रुपए का कुछ इनवॉइस जो छूट रहे थे, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया दिस विल इज नॉट मेंशनड पोर्टल, यानी ये वो पार्टी है जिस पार्टी ने अपने रिटर्न GSTR1 में बिल नहीं दिखाया, जिस कारण से मेरे ये क्या हुआ 2B के अंदर नहीं आया, तो इसका ITC में क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, जब वो रिटर्न फाइल करेगा या फिर लेट फाइल करा होगा जिस वजह से मेरे 2B में नहीं आ रहा, जिस मंथ में आएगा मैं उस मंथ में इसको क्लेम कर लूंगा। तो एक्चुअल में अब मुझे क्लेम कितना करना है ये मेरे बुक का निकल के आ गया हमने सामने बिल्कुल ही, तो जो रिको बनाया हमने उसका ही ITC अब हम क्लेम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो मेरे को एक्चुअल में क्लेम लेना है वो ये है 2,01,175, 5,76,183, 5,76,183, इसका ही मुझे क्लेम लेना है। तो इसको आपको पोर्टल में जाना है और इसको अपडेट कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पे जाने के बाद जितना मेरा ITC बन रहा था उस ITC को मैं क्लेम कर लूंगा। तो कितना बन रहा था IGST में 2,01,175.19, 2,01,175.19 ले लीजिए 2,01,175.19, और ये कितना बन रहा है 5,76,183, 5,76,183, तो इसको भी मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा 5,76,183, पॉइंट में कितना है 99, इसको मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा 5,76,183.99, 5,76,183.99 और 2,01,175.19, 2,01,175.19, ये मैंने फिल कर दिया और इसको हम कर देंगे कंफर्म। सेव GSTR3B पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा वो डेटा अपडेट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। इसके बाद अब आपको सेव GSTR3B पे फाइल करके इसको कर देना है प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लेम, यानी ये रिटर्न आपको कर देना है फाइल। तो आई होप कि आप लोग अब अपना GSTR3B अगर फाइल कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। बी अलर्ट, बड़े सावधानी से अपना GSTR3B फाइल करिए, क्योंकि गलती से अगर आपने कोई ITC क्लेम कर लिया, नोटिस आ गया, तो आप उनके चुंगल में फंस जाओगे, फिर बहुत बुरी हालत हो जाती है, आप सभी समझ सकते हैं। तो कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार रिको जरूर बनाने के लिए, रिको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे सर्विस को परचेज कर सकते हैं, आपका सारा काम कर दिया जाएगा और छोटी फीस में आपकी ये सारे रिटर्न वगैरह फाइल कर दी जाएगी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों। एक एक चीज मैंने आप लोगों को क्लियर करके बताया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल बटन को ऑन कर ले, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी टेली आरपी 9 या टेली प्राइम के साथ, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाके www.onlinegstservice.com टाइप करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये पेज पे आ जाए तो आपको ऑनलाइन कोर्स पे जाके क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया पेज आएगा। जब आपके सामने ये पेज आए तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर और सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा, लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग योर ऑनलाइन क्लास एसेस्ट्रा एसेस्ट्रा, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। जब आप सबमिट कर लेंगे, सबमिट करने के बाद जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे दो कोर्सेस सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे टेली आरपी 9 प्लस जीएसटी और दूसरा आ रहा है टेली आरपी 9 प्लस TDS। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं, मिनिमम प्राइस आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीख सकते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ और सीखें प्रैक्टिकली अकाउंटिंग घर बैठे बैठे।